नागपुर शहर के इमामवाड़ा थाना क्षेत्र के राजा बक्सा मंदिर परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति 50 से 55 की उम्र का होगा और डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु की वजह पता चलेगी। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। रात को इमामवाड़ा पुलिस थाने में एक जगह पे घर का ताला तोड़ के घरफोड़ी की गई थी। उसमें इमामवाड़ा डीबी पथक ने तुरंत कार्रवाई करके उनमें एक नाबालिग है और एक बालिका आरोपी, ऐसे दो को ताबे में लिया और उनसे जो चोरी गया हुआ था वो 100% मुद्देमाल रिकवर कर लिया है और उनके पास से और एक चोरी की गाड़ी भी मिली है। वैसे दो गुने उनके से उगड़ किस आ गए हैं और एक आरोपी जो है उसको अभी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, उसकी अगली तफ्तीश चालू है। बालिक जो है उसका नाम पीयूष साहू है, वो रिकॉर्ड के ऊपर का आरोपी है। उससे पहले भी उसके ऊपर कम से कम 10 के आसपास घरफोड़ी के गुने दाखिल है और वो हैबिचुअल है, इसलिए वो घरफोड़ी करता रहता है। इसमें अभी तक 27,000 रुपये के सोने के गहने और एक गाड़ी, ऐसा मुद्देमाल अभी तक जब्त किया गया है। 27,000 के गहने और 20,000 की गाड़ी, ऐसे 47,000 का मुद्देमाल टोटल जब्त किया गया है। ये कामगिरी माननीय सीपी सर, माननीय डीसीपी जोन 4 सर और पुलिस निरीक्षक इमामवाड़ा पुलिस थाना, इनके मार्गदर्शन में इमामवाड़ा डीबी पथक ने किया हुआ है।